हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और मैंने ये जो चैनल था दैट एवरेज गाय, ये आज से अराउंड 4 months पहले बनाया था। और इन 4 months में मेरे पास बहुत सारे लोगों का, मेरे ऑफिस के कलीग्स का, मेरे घर वालों का, मेरे रिलेटिव्स का, बहुत सारे लोगों का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था और वो था पैसा। यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ तो पैसा कमाता हूँ, यूट्यूब वाले पैसा कैसे देते हैं? आपको व्यूज़ पर पैसा मिलता है, हम जब आपका वीडियो लाइक करते हैं तब पैसा मिलता है, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो बहुत पैसा आने लगेगा, और ऐसे ना जाने कितने बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आने लगे। और ऑब्वियसली ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, पर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसके लिए वंस एंड ऑल ये चीज़ को सेटल डाउन करा जाए कि यूट्यूब पर लोग पैसा कैसे कमाते हैं, चैनल बनाने के बाद क्या होता है। तो मैं बताता हूँ, YouTube पे पैसा कमाने के 3 तरीके होते हैं, पर उससे पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि YouTube पे जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो, किसी भी वीडियो पे कमेंट करते हो, उस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, या फिर उस वीडियो को शेयर करते हो, या बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हो, तो चैनल बनाने वाले को या वीडियो बनाने वाले को उसमें कुछ भी मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो लाइक कर रहे हो तो मेरे को इससे कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। तो पहले हम बात करते हैं उन 3 तरीकों की जिससे हम पैसा कमा सकते हैं YouTube से। सबसे पहला तरीका होता है YouTube पे एडवर्टीजमेंट्स। तो जो आप सबसे पहले एड्स देखते हो, जब YouTube पे आप कोई भी वीडियो देखते हो तो उस पर एक ऐड आती है, राइट? तो जिसको आप तुरंत स्किप कर देते हो, तो वो ऐड से YouTube पे जो इसने बनाया है वीडियो उसको पैसा मिलता है। पर ये एड्स सारे YouTube चैनल्स पर आती हैं? नहीं। तो जैसे मेरा चैनल है, अभी मेरा चैनल बिल्कुल नया है, तो मेरे चैनल पे आप कोई भी एड्स अभी नहीं देखते हो। और उसका रीज़न क्या है कि YouTube वालों की एक पॉलिसी है, और पॉलिसी ये कहती है कि कोई भी नया चैनल को एड्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने चाहिए और 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम भी कंप्लीट होना चाहिए। 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम का मतलब क्या होता है कि जितने भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाले हैं और जितने भी मिनट के लिए वो देखे गए हैं, वो सारा मिला के 4000 आवर्स मिनिमम होना चाहिए। मतलब कि 2,40,000 मिनट्स का वॉच टाइम मेरे सारे वीडियोस पे मिला के होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने चाहिए, तब मैं क्वालिफाई करता हूँ कि मैं एड्स के लिए YouTube वालों को अप्लाई कर सकूँ। एड्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो दूसरी बात है, पर अभी मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ अप्लाई करने के लिए। अब जब मैंने ये चीज़ क्वालिफाई कर लिया और मैंने अप्लाई करा, तो YouTube वाले जो हैं वो कुछ टाइम लेते हैं, कुछ केसेस में ये मंथ्स तक चला जाता है, 3 to 6 months तक चला जाता है, पर अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि ये चीज़ कुछ वीक्स में ही हो जाती है सेटल डाउन। तो वो क्या देखते हैं, वो आपके चैनल पर आते हैं और वो आपके चैनल के वीडियोस को चेक करते हैं, और वो चेक करते हैं कि वो उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से क्वालिफाई करते हैं या नहीं। जैसे वो न्यूडिटी तो नहीं दिखाते, वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट तो नहीं दिखाते हैं, वो कुछ ऐसा टेररिज्म को या बॉम्ब्स बनाना वगैरह तो नहीं सिखा रहे, वो कॉपीराइटेड मटेरियल तो नहीं है, वो कहीं और से कॉपीड तो नहीं है, राइट? वो ये सब चीज़ें चेक करते हैं। और अगर आपका चैनल या आपके वीडियोज़ उन सारी पॉलिसीज़ को क्वालिफाई करते हैं, तो वो आपका एड्स जो है वो अप्रूव कर देते हैं, और उसके बाद आपका चैनल क्वालिफाई हो जाता है कि वो एड्स दिखा सकता है, और फिर वो आपके ऊपर होता है कि आप एड्स कैसे दिखाते हो। तो पहला तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका होता है स्पॉन्सरशिप्स। स्पॉन्सरशिप्स भी ऑब्वियसली हर एक चैनल को नहीं मिलती हैं, पर कुछ चैनल्स इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं कि उनके ऊपर लाखों या मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आने लगते हैं, और वो जो लोग हैं या वो जो चैनल हैं वो एक तरह से ब्रांड्स बन जाते हैं। अब आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे चैनल्स, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनके अंदर बीच में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं जानबूझ के, इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्लेस करे जाते हैं कि वो आपको दिखे और उनकी यूटिलिटी दिखाई दे, उनके बारे में अच्छा बोला जाता है। वो जस्ट बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि वो सारे स्पॉन्सर्ड वीडियो होते हैं। तो आप जैसा एक फूड चैनल है, तो फूड चैनल है तो आपके ऊपर लेट्स से 1 million सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऐसा कोई ना कोई ब्रांड आपको अप्रोच करेगा, जैसे कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स बनाता है या मसालों का ब्रांड या कोई भी ऐसा ब्रांड जो कि कुकिंग या फूड से रिलेटेड हो, वो आपको अप्रोच करेगा और आपको कुछ पैसे देगा कुछ वीडियोस बनाने के लिए, या एक सिंगल वीडियो बनाने के लिए, या अपना प्रोडक्ट को प्लेस करने के लिए, या प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा बताने के लिए, ताकि व्यूअर्स जो हैं
वो उसको देखें और वो उसको खरीदें और वो आपको उस चीज़ के लिए पैसा देता है, राइट? तो उसको कहते हैं स्पॉन्सरशिप। पर ये स्पॉन्सरशिप तभी मिल पाती है मोस्टली जब आपका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, आपके व्यूअर्स आपके साथ एक कनेक्ट कर लेते हैं, आपके साथ आपकी बात पे ट्रस्ट करने लगते हैं क्योंकि आपको वो सालों से देख रहे होते हैं, राइट? तो दूसरा तरीका होता है स्पॉन्सरशिप्स। और तीसरा तरीका होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग होता है जैसे कि अमेजोन के एफिलिएट्स या फिर फ्लिपकार्ट के या फिर किसी भी और के एफिलिएट्स। एफिलिएट्स होते क्या हैं? एफिलिएट्स को मैं सिंपली वे में अगर बताऊं तो वो ये होता है कि आप किसी वेबसाइट का प्रोडक्ट आपके थ्रू बेच रहे हैं और आपको उसके बीच में कट मिलता है। तो लेट्स से जैसे अभी मैं ये कैमरे से या मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और मैं इसका एफिलिएट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ कि मैं ये माइक या ये कैमरा यूज़ करता हूँ और अगर आपको भी चाहिए तो आप इस लिंक से ये वाला प्रोडक्ट ले सकते हो, तो जब आप मेरे लिंक से अमेज़ॉन पे जाके वो प्रोडक्ट खरीदोगे तो मुझको उसमें एक कट मिलेगा अमेज़ॉन की तरफ से। वो कट बहुत छोटा होता है और वेरिड होता है, 2%, 4%, 5%, कुछ केसेस में वो 10% तक भी जाता है, राइट? तो उस केस के अंदर आपको एक कमीशन या कट मिलता है। अब बात आती है कि ये तो तीन तरीके हो गए पैसा कमाने के, पर क्या यूट्यूब पे पैसा है? डेफिनेटली है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि काफ़ी लोग इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्या ये इजी है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हो तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस और हार्ड वर्क लगेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने वीडियो डाला एकदम वायरल हो गया, कल मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 240,000 मिनट का वॉच टाइम हो गया, एड्स आने लगे, एफिलिएट्स आने लगे और स्पॉन्सरशिप्स आने लगी। ऐसा मेरे ख्याल से थाउजेंड्स या लाख्स में एक बंदा होगा, जैसे दिनचक पूजा थी, उसने वीडियोस बनाए थे और वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी, एकदम वायरल हो गई थी, राइट? और ऐसा बहुत कम होता है, जनरली ऐसा नेगेटिव पब्लिसिटी वालों के साथ ही होता है कि वो एकदम तुरंत के तुरंत वायरल हो जाएं और उनके पास ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएं और एड्स आने लगें और ब्रांड्स आपको अप्रोच करने लगे। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी शायद बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी आप पिक करने लगे, तब भी आपको कंसिस्टेंटली मेरे ख्याल से कम एक साल तो लग ही जाएगा कि एक अच्छे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स पे पहुंचने के लिए। हाँ, एड्स शायद बहुत जल्दी मिलने लगे, शायद 3 या 4 मंथ्स के टाइम में ही मिलने लगे अगर आप बहुत अच्छा बनाते हो तो। कुछ लोगों का शायद 20-25 दिन में भी हो सकता है कि उनका एक वीडियो बहुत अच्छा कनेक्ट हो गया और कुछ हज़ारों लाखों व्यूज़ आ गए, तो एड्स तो आपको मिल सकती हैं, पर स्पॉन्सरशिप्स या जो आपका जो चैनल बहुत ग्रो करने वाला है, मिलियंस या फिर लाख्स में आपके सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, वो चीज़ अचीव करने में आपको लिटरली ईयर्स लग जाते हैं। पर हाँ, एक बार जब ये चीज़ अचीव हो जाती है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, वो चीज़ ग्रूव में आने लगती है, क्योंकि आप इतने साल से वीडियो बना रहे होते हो और आपके साथ लोग इतने ज़्यादा कनेक्ट कर चुके होते हैं और वो चीज़ आपके लिए एक डेली रूटीन की तरह बन जाती है। और अगर आप वीडियोस नहीं बनाते हो तो शायद आपको बुरा लगने लगता है और आपको उसमें मज़ा आने लगता है और फिर वो चीज़ जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। तो ऐसा देखा गया है कि पहले 100 सब्सक्राइबर लाना मुश्किल होता है, फिर 100 से 1000 पहुंचना उससे थोड़ा ईजी होता है, 1000 से 5000 उससे और ईजी, और इसी तरीके से तो 1 मिलियन से 2 मिलियन का जो टाइम होता है वो लिटरली उससे 1/4 होता है या उससे भी कम। मतलब लोगों को 1 मिलियन पहुंचने में 2-3 साल लग जाते हैं और 1 मिलियन से 2 मिलियन पहुंचने में मुश्किल से 5 महीने या 6 महीने लगता है, और ये हर चैनल के साथ होता है। तो जब आप एक चीज़ अचीव कर जाते हो तो वो उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगती है, और वहाँ पर आपका जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, जो स्पॉन्सरशिप्स होते हैं, जो ब्रांड्स के एफिलिएशंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, और तब वो एक जो मॉनेटरी बेनिफिट्स का जो आता है कॉम्पोनेंट वो बहुत बड़ा होने लगता है। पर ये जो है ये सारा का सारा बहुत सालों की मेहनत के बाद आता है। तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो से ये तो अंदाज़ा लग गया होगा कि यूट्यूब से लोग एक्चुअली जो चैनल बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो हर एक बंदा जो है वो पैसा कमाने के लिए बना रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है और पैसा कमाना इससे आसान भी नहीं है। पर पैसा किस तरीके से कमाते हैं वो आपको समझ में आया, राइट? तो लाइक करने से पैसा तो नहीं आता, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लाइक तो कर ही सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जनरली व्लॉग्स बनाता हूँ ट्रैवल और फूड के, और मैं ऐसे वीडियोस भी बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।